जादुई टोपी। मणिपुर गांव में सारा नाम की एक बहुत ही प्यारी लड़की रहती थी। वो शिव कुमार नामक पंडित की इकलौती बेटी थी और उसे सभी के प्रति बहुत लगाव था। और वो उम्र में छोटी होने के बावजूद भी उससे जितना हो सके लोगों की मदद करती थी। एक बार उसने एक बूढ़ी औरत को देखा जो बहुत ही दुखी लग रही थी। उसने उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन उस बूढ़ी औरत ने कहा, अभी तुम बहुत छोटी हो बेटी, तुम भला मेरी मदद कैसे करोगी। उस वक्त सारा ने मन ही मन सोच लिया, अगर मैं लोगों का दुख दर्द समझ पाऊं, तो शायद मैं उनकी मदद भी कर सकती हूं। उसी दिन एक चमत्कारी घटना घटी। जब वो पाठशाला से घर आ रही थी, तभी उसने वहाँ एक टोपी वाले को देखा। उसके बक्से में रंग बिरंगी टोपियाँ थी। सारा को उसमें से एक टोपी बहुत ही अलग और अच्छी लगी। उसने टोपी वाले से वो टोपी मांग ली। क्या आप मुझे ये टोपी दे सकते हैं? लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। मैं मेरे घर जाकर आपके पैसे ले आऊंगी। सुनो बेटा, मैं तुम्हें ये टोपी तो दे देता, लेकिन ये टोपी है ना, वो आज तक जिस किसी के पास भी गई है, उसके पास से ये टोपी गुम हो गई है। और ये लाल टोपी घूम फिरकर फिर से मेरे ही पास आ जाती है। इससे अच्छा है कि इसके बजाय तुम कोई और टोपी ले लो। लेकिन सारा को वही टोपी अच्छी लगी थी। मुझे तो यही टोपी चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके पैसे तुम नहीं देना। मेरी तरफ से तुम ये टोपी तोहफे के रूप में रख लो। ठीक है चाचा, शुक्रिया। ये अमरूद मेरी तरफ से आपके लिए। उस टोपी को उसने खुशी से अपने सर पे रख ली। उसे पता चल गया कि टोपी वाले चाचा टोपी को बेचकर मन ही मन क्या सोच रहे हैं। उसने वो बात चाचा से पूछी। चाचा, आप तो यही बात सोच रहे हैं ना कि ये टोपी तो इस लड़की के हाथों से भी गुम हो जाएगी और वो घूम फिरकर मेरे ही पास आएगी। अरे ये बताओ, ये बात तुम्हें कैसे पता चली? बिल्कुल ठीक, मैं यही सोच रहा था। मुझे ऐसा लगता है ये कोई जादुई टोपी है और ये शायद तुम्हारे लिए ही बनी है। शुक्रिया चाचा, लेकिन मैं इस टोपी का क्या करूँगी? मैंने तो बस यूं ही पहनने के लिए ली थी। सुनो बेटा, आज तक तुम पहली लड़की हो जिसे ये पता चला है कि ये जादुई टोपी है। आगे वक्त आने पर तुम्हें ये पता चल जाएगा कि तुम्हें इस टोपी को कैसे इस्तेमाल करना है। इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ठीक है चाचा, चलती हूँ। सारा उस टोपी को पाकर बहुत खुश थी। उसने वो टोपी अपने सर पर पहन ली और फिर अपने घर की ओर चलने लगी। तभी उसने देखा उसके पड़ोस वाली दादी मन ही मन एक बात सोच रही थी कि अभी उम्र के हिसाब से ज्यादा काम नहीं किया जाता, लेकिन मुझे भूख भी लगी है, तो अब मैं क्या करूं? सारा को दादी की मन की ये बात जानकर बहुत बुरा लगा। वो अपने घर गई और अपनी माँ से दो रोटियाँ और जरा सी सब्जी लेकर दादी के पास आई। जब उसने वो रोटी और सब्जी दादी को दी, तो दादी बहुत ही खुश हो गई। मैं मन ही मन में यही सोच रही थी कि अगर मुझे कुछ खाने को मिल जाए तो, और तभी तुम ये खाना लेकर मेरे पास आ गई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। सारा मन ही मन बहुत खुश थी। ये उसका दूसरा अनुभव था कि जब वो टोपी पहनती है तब उसे लोगों के मन की बात सुनाई देती है। लेकिन वो पूरा वक्त तो टोपी नहीं पहन सकती थी ना। पाठशाला में पढ़ाई के वक्त, घर के काम काज करते वक्त उसे वो टोपी उतारनी पड़ती थी। लेकिन उसने ये सोच रखा था कि जब भी किसी को उसकी मदद की जरूरत पड़ेगी तब वो टोपी पहन लेगी। शाम के वक्त सारा जब टोपी पहनकर गांव के नदी किनारे जा रही थी, तभी उसने कुछ लोगों को उसकी पाठशाला के बाहर कुछ बातें करते सुनी। उसे उनके मन की बात समझ में आ गई। वो ये सोच रहे थे कि बच्चों के शिक्षा की जमा पूंजी वो रातों रात चोरी कर लेंगे। ये बात जानने के बाद सारा बहुत बेचैन हो गई।
वो सोच रही थी कि अब ये बात वो किससे कहे। उसने तुरंत ही अपने दोस्तों को ये बात बताई। कुणाल और अर्जुन दोनों ही सारा की मदद करने के लिए तैयार हो गए। शाम के वक्त वे तीनों पाठशाला के बाहर चुपचाप खड़े हो गए। जैसे जैसे रात होती गई, वे तीनों पाठशाला के अंदर जाकर छुप गए। उन्होंने वहाँ पर फांसे लगाए हुए थे। जैसे ही चोर पैसे चुराने के लिए अलमारी की ओर बढ़े, वैसे ही वे तीनों फांसे में अटक कर गिर गए। इसका मतलब सारा को जो बात पता चली थी वो बिल्कुल सच थी। उन्होंने अपने शिक्षक और पुलिस को इस बात की खबर दी थी। पुलिस ने आकर उन चोरों को पकड़ लिया और उनके शिक्षकों ने सारा और उसके दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। आज उस टोपी की वजह से ही इतनी बड़ी चोरी होने से पहले ही सारा उन चोरों को पुलिस के हवाले कर पाई। सारा मन ही मन बहुत खुश हुई, लेकिन उसे लगने लगा आखिर कितने दिन वो ऐसे ही लोगों की मन की बात सुनती रहेगी। शायद उसे उस चाचा को ढूंढना पड़ेगा और उनको वो टोपी लौटानी होगी। कुछ दिनों बाद जब वो चाचा टोपी का बक्सा लेकर वापस आ गए, तो सारा उनके पास जाकर टोपी वापस देने लगी। तभी चाचा ने उससे इसकी वजह पूछी, तो उसने कहा, रोज इस टोपी की वजह से मैं किसी ना किसी का भला कर रही हूँ, लेकिन मैं तो अभी बहुत ही छोटी हूँ। अगर कोई बड़ा इंसान इस टोपी को पहनकर ज्यादा लोगों की मदद कर पाए तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। तो तभी चाचा ने बताया, बेटा मैंने ये बात तुमसे पहले ही कही थी कि ये टोपी किसी के पास कभी नहीं टिकती, वो कहीं ना कहीं से घूम फिर कर फिर मेरे ही पास आ जाती है। तुम ही वो पहली लड़की हो जिसके पास ये टोपी इतने दिनों तक रह पाई है और इस टोपी की खूबियाँ तुम्हें ही पता चल पाई है। तुम लोगों के दुख जानकर उनके दुख दूर कर पाई हो। इसका मतलब ये टोपी सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनी है। तुम इस टोपी को हमेशा अपने पास संभाल कर रखना और लोगों की मदद करना। ये कहकर चाचा वहाँ से चले गए और फिर सारा ने वो टोपी हमेशा अपने पास संभाल कर रखी। अल्ट्राकिड्स ज़ोन पे डाले गए हर नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब करें अल्ट्राकिड्स ज़ोन।